गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी कंप्लीट द टॉपिक सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ वी कंटिन्यू दिस टॉपिक बाय द टर्म प्लास्टिक. प्लास्टिक आप सब आपका अवेयर हो बच्चे. हमारे अगर हम कहें तो प्लास्टिक हमारे पूरी लाइफ का एक बहुत जरूरी फीचर बन चुका है. बॉटल्स देख लो, टिफिन देख लो, ट्रैमॉक्स देख लो, इसके अलावा आजकल टेबल चेयर फर्नीचर सब अलमीरा सब प्लास्टिक में आए. सो ऑल ऑफ यू ऑलरेडी अवेयर इन प्लास्टिक. सो टुडे वी आर स्टडीड दैट व्हाट इज प्लास्टिक एंड हाउ इट इज मेड. एक्चुअली प्लास्टिक इज टोटली सिंथेटिक. जैसे हमने नायलॉन पढ़ा था, रेयॉन पढ़ा था, उनकी तरह प्लास्टिक जो है टोटली सिंथेटिक मटीरियल है एंड इट इज मेड बाय द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. क्योंकि मैंने बताया सिंथेटिक मटीरियल में नेचुरल फाइबर नहीं होता है, उसमें बीट्स जैसे मोनोमर्स होता है, उन्हीं को हम पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं. सेम ऐसे प्लास्टिक में कार्बन के मोनोमर्स होते हैं और उन्हीं को हम पॉलीमराइजेशन के द्वारा लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं. प्लास्टिक में आप लोगों ने कभी फील किया होगा, एक प्लास्टिक बहुत हार्ड होती है और एक प्लास्टिक बहुत सॉफ्ट होती है. जैसे अगर हम इसी प्लास्टिक की बात करें तो ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अगर उसी उसमें अगर हम स्विच बोर्ड या प्रेशर कुकर के हैंडल की बात करें तो वो बहुत हार्ड है. दोनों है प्लास्टिक ही, लेकिन दोनों में कोई ना कोई चेंजेस है. उसी के ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग के कारण इसमें चेंजेस होते हैं, जो कि दो उनमें जो मोनोमर्स है उनका अरेंजमेंट दो तरीके का होता है. फर्स्ट इज लीनियरली अरेंज एंड सेकंड इज क्रॉस लिंक्ड. लीनियरली अरेंज में कार्बन मोनोमर्स जो है वो एक लाइन में ही अरेंज होते जाते हैं और इसी वजह से ये वाली जो प्लास्टिक है ये सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, रीयूजेबल होती है. हम इसको बार बार मोल्डेड कर सकते हैं. जैसे वाटर बॉटल्स हैं अपने घर में, हम चेयर है टेबल की, जो प्लास्टिक बहुत इजीली बार बार मोल्डेड हो जाती है और बार बार हम फैक्ट्रीज में हम यूज करके अलग अलग कलर्स में यूज कर सकते हैं. सेकेंड जो प्लास्टिक होती है वो होती है क्रॉस लिंक्ड. इसमें जो कार्बन मोनोमर्स है वो एक्चुअली क्रॉस लिंक्ड होते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं. इन्हीं के बेसिस पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स है इन्हीं के बेसिस पर प्लास्टिक का बेसिकली टू टाइप्स प्लास्टिक आर ऑफ टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेल. थर्मोप्लास्टिक आर द प्लास्टिक विच वी कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन बाय द हीट. इसमें हम इसको बार बार हमने यूज किया, खराब हुआ हमने कबाड़ी कर बेचा, हम फैक्ट्री में गए हैं, फैक्ट्री में उसको बार बार उसने कभी किसी शेप में डाल दिया कभी किसी शेप में. इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. इट इज नॉट हीट रेजिस्टेंट. थोड़ा सा हीट में करते ये मेल्ट होने लग जाता है. आपका प्लास्टिक का बोल है हमने गैस पर रख दिया तो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज थर्मोप्लास्टिक. इसका बहुत ज्यादा यूज है हमारे घरों में. पाइप्स है, बॉटल्स है, या इसके अलावा प्लास्टिक कंटेनर्स है, डस्टबिन है, बकेट्स है, वो जो सारे प्लास्टिक है वो सारे थर्मोप्लास्टिक से ही है. इट इज बायोडिग्रेडेबल. एक्चुअली वो प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन उसमें फिर भी ये वाला जो प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक इस ये फिर भी कुछ कम समय में ही बायोडिग्रेड हो जाती है, तो इससे पॉल्यूशन भी थोड़ा कम होता है. जबकि सेकेंड जो है इसके एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ लेते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, इस तरह टेरिलीन, नायलॉन फाइबर हमने पढ़ाई था, वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. थर्मोसेटिक प्लास्टिक इट इज अ टफ प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड ओनली वंस इन द शेप, देन इट डजंट रीप्रोसेस एंड इट कैन नॉट बी मोल्डेड इनटू द अगेन. इट मींस इसमें प्लास्टिक एक बार जिस शेप में आ गई उसके बाद उसको बार बार हीट नहीं कर सकते, उसको दूसरी शेप में नहीं डाल सकते, यानी यूज एंड थ्रो. एक बार यूज कर ले उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता. टफ प्लास्टिक होती है जैसे कि हमारे स्विचेज है. आप अपना जो बिजली का स्विच बोर्ड देखते हैं, स्विचेस है, प्लेट है, वो भी प्लास्टिक के, लेकिन वो कौन से थर्मोसेटिक. प्रेशर कुकर का हैंडल आप देखते हैं, अपन गैस पे उसको रखते हैं लेकिन वो मेल्ट नहीं होता है, तो वो भी कौन सा है आपका थर्मोसेटिक. इट इज हीट रेजिस्टेंट. हाई से हाई टेम्परेचर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, मेल्ट नहीं होता. इसीलिए तो माइक्रोवेव में आप देखते हैं माइक्रोवेव सेफ कंटेनर होता है, तो वो कौन सा थर्मोसेटिक. एग्जाम्पल्स इसके बेकिलाइट है, मेलामाइन, ये एक्चुअली में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है. अपने डिनर सेट सप्ताह घर में मेलामाइन के बने होते हैं, तो ये जो प्लास्टिक है ये हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो वन टाइम यूज के लिए होती है. इसके अलावा हम सब आप जानते हैं कि प्लास्टिक में की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से आज हम उनको यूज कर रहे हैं. हम सब कहते हैं प्लास्टिक बेकार है, खराब है, फेंको फेंको फेंको, बट कैन वी डू दैट? नो, बिकॉज ड्यू टू इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी एंड ईच पर्सन कैन अफोर्ड इट. आज आप एक स्टील का बर्तन लेंगे, ग्लास भी लेंगे, तो हमें वो 40 रुपए से नीचे नहीं मिलता. जबकि अगर एक प्लास्टिक के हम ले कंटेनर 5 रुपीज 10 रुपीज
₹50 में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. सबसे पहले चीज, इट इज अफोर्डेबल, चीप. सेकंड वन इज ड्यूरेबल. ड्यूरेबल है, एक कंटेनर में अगर हमने ले लिया तो 3-4 साल 5 साल हमारा आराम से निकाल देता है. इसके अलावा इट इज नॉन रिएक्टिव. एयर है, वाटर है, कोई भी एसिड, किसी से भी रिएक्शन नहीं होता. आदम अचार डालता है, खट्टी चीजें स्टील में नहीं रखेंगे, कॉपर में नहीं रखेंगे, एल्यूमिनियम में नहीं रखेंगे. हमें अलग अलग चीजें सोचनी पड़ती है. लेकिन प्लास्टिक में हम आंख बंद करके चटनी भी रख सकते हैं, अचार भी रख सकते हैं, सॉस भी रख सकते हैं, इवन मीठी चाशनी भी रख सकते हैं. इट मीन्स इट कैन नॉट रिएक्ट विद एनी अदर्स. देन इसके बाद स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबल. ड्यूरेबल तो है, मजबूत है, कई एक बार चीज ले ली कई सालों तक चलती है. तो इस चीज से प्लास्टिक आज हम अवॉइड करना चाहें लेकिन फिर भी हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं. सो बेटा आज इस क्लास में इतना ही. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट देयर एनवायरमेंटल यूज. सो टिल देन गुड.